हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल. आज हमारी ड्रैग रेस है T-Roc वर्सेस, वो पीछे से आ रही है एक वर्टस उसके साथ. ये ऑलरेडी तुम सब लोगों को पता है. दिस कार इज रनिंग स्टेज 2 Etuners ग्रीस, स्टेज 2 TCU एंड ECU. तो अभी फिलहाल हम लोग जो ड्रैग करेंगे वो होगी 400 meters, क्योंकि ड्रैग हमेशा होती है क्वार्टर माइल. वो आ गई हमारी वर्टस S और S होगा अभी, ठीक है. ESC स्पोर्ट इसमें, क्योंकि इसमें VCDS भी हो चुका है, और उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ. उसमें भी 2 people ऑन बोर्ड, इसमें भी 2 people ऑन बोर्ड. लेट्स सी हु विंस. एस मोड. बेबी एस मोड में तो तुम गई, एस मोड में तो गई. वो बहुत दूर है. एनी वर्टस GT फैन, you can comment down below. 154 ab le gayi. तीन गाड़ियों का गैप था. तीन गाड़ियों का एंट्रेस मत मारना भाई, उसे एंट्रेस खा दे रहा है. अब अभी एंट्रेस भी करेंगे. रुक, आओ अब डीपे, आओ डीपे करते हैं. अब डीपे करेंगे और डीपे देखते हैं क्या होगा. VCDS के बाद कितना सुंदर लग रहा है यार. T-Roc वालों VCDS करवा लो. लेट्स डू इट. बाय बाय. मुझे पता था. बाय बाय. खत्म था भाई. ओपी आ रहा है अब तो, एकदम लॉन्च फाड़ू है. अब जा करके भाई एक लॉन्च है तेरा. N2S था या क्या था? ओह फक, फिर तो बहुत बहुत जबरदस्त था भाई. अब तो N2S पे भी गई वर्टस. हाँ अब आ गया ना सही. और अभी भी मैं बताऊँ ना, अभी भी मैं अगर बताऊँ तो इसने प्रॉपर वो नहीं किया, गियर शिफ्टिंग ही नहीं हुई है. और अच्छा वो दे रही है भाई. इसमें भी व्हील्स पे लगा रहा है. मैनुअल था तुम्हारा? हमारा मैनुअल था. दोनों मैनुअल पे थे. दोनों मैनुअल पे थे. N2S में भी जीत गए भाई. पैसा वसूल यार. फाइनल रिजल्ट तो आ ही चुका है. वो ऑब्वियसली मेरे को पता ही था वो जीतना ही है उसने. और ये बिचारी यार हमेशा हमारे वहाँ जीतती थी आकर के, आज पहली बार अभार्थ के बाद ये T-Roc से आ रही है, और अभी तक का किसी से भी नहीं आ रही है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो. शेयर इट विद योर वर्टस GT वाले फ्रेंड्स और T-Roc वाले फ्रेंड्स. बाय बाय. सेव द मैनुअल्स.